Hello and a very good evening to all of you. I'm Kinjal. I'm your mentor for English language and welcome to other 24/7 regulatory bodies and SO channel. Here we are talking about a lot of things. But hum specifically sham 7 baje milte hain to discuss the editorial analysis. Editorial analysis discuss karne ka reason ye hai taki aapka jo vocabulary portion hai wo bahut hi strong ho jaye, aapka reading usse zyada strong ho jaye. Idioms and phrases और one word substitution जैसे छोटी छोटी चीजें भी आपकी जरूर से कवर हो is the overall idea behind this class. So here I am Kinjal and I am here back with the session today. तो ये एक word है आज का जो हमारा पहला word है. आपको ये word देख के क्या लग रहा है, आपको ये picture देख के क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग. तो देखो पेंट, डू यू ऑल्सो थिंक दिस इज लाइक स्टेज फियर, है ना? आपने कभी देखा है स्टेज पे एक्चुअली होता है कि लोग स्टेज पे जाते हैं और भूल जाते हैं व्हाट दे वर अबाउट टू से. शायद गाना ही भूल जाए जो गाना गा रहे हैं. कॉलेज में आपने देखा होगा ऐसा किसी के साथ होते हुए या कभी भी. और सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, है ना? यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ. सो डिफिडेंट इज डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट. सोचो इस लड़के के लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा होगा कॉन्फिडेंट होना, दैट ही एक्चुअली फेंटेड अवे. सो डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट इज बेसिकली डिफिडेंट, शाय और नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ वन्स एबिलिटीज. आप अपने एबिलिटी, आप अपने कैपेसिटी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, सो यू आर अ डिफिडेंट. दे आर सिनोनिमस वर्ड्स आर शाय, टिमिड, मॉडेस्ट, बैशफुल, अनकॉन्फिडेंट एंड अनअसर्टिव. ये सारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं. जैसे कि ही वॉज टू डिफिडेंट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. वो क्या था? बहुत ही डिफिडेंट था, यानी बहुत ही वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी शाय और अनकंफर्टेबल था कि वो अपना कॉन्फिडेंस बता पाए. ये क्या है ये बताइए. आई हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. Somebody जो अपना एक्सपीरियंस लेटर इधर उधर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास काफी सारा एक्सपीरियंस है अभी तक के, ठीक है? अच्छा, विद एक्सपीरियंस क्या आती है लाइफ में? जब आपके पास खूब सारा एक्सपीरियंस आ जाता है, सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कम्स अलोंग विद द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस के साथ कौन सी चीज वापस आती है? एक्सपीरियंस के साथ जो चीज वापस आती है वो होता है एक्सपर्टीज, है या नहीं? सो ये इनके पास एक्सपीरियंस है और इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है बाय द वे. तो एक्सपीडेंसी, एक्सपीडेंसी इज एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस. तो एक्सपीडेंसी इज एडवांटेज एंड कन्वीनियंस इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स मेथड्स दैट आर एडवांटेजियस रादर देन फेयर. कन्वीनियंस, एडवांटेज, यूजफुलनेस, बेनिफिट, यूटिलिटी, प्रॉफिट या फिर गेन. देखो जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना तो आपको ये पता होगा कि कौन सा काम किस तरीके से करने से आपका फायदा होगा. दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीडेंसी, कि ये काम मैं इस तरीके से करूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू मेक अ सेंटेंस फॉर द सेम. So those who hanker after material gains are often guided by expediency and not by moral sense. जो material strength के पीछे इतना ज़्यादा पीछे पीछे जाते हैं वो अपना फायदा देखते हैं और क्या नहीं देखते, moral sense नहीं देखते हैं. What do you see here? Here what I see is somebody having very high fever. अगर किसी को बहुत ज्यादा high fever होगा तो this is what it will look like somehow. मतलब not yellow in color or hairless for that matter, but yes, the thermometer would range something like that. So
फर्वेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट इमोशंस. जब इतना फीवर है तो यानी बहुत हाई फीवर है तो हाई इमोशंस. सिमिलरली फर्वेंट इज ऑल्सो ग्रेट इमोशंस. ठीक है. यस. तो पैशनेट, इम्पैशनेट, वेहेमेंट, आर्डेंट, सिंसियर एंड प्रोफाउंड, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनिमस वर्ड्स फॉर द सेम. इसका सेंटेंस होगा, अ फर्वेंट डिजायर टू चेंज सोसाइटी. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चेंज द सोसाइटी. ये बताइए क्या है. यहाँ पे बेसिकली वेटरन को अच्छे से डिफाइन किया गया है कि वेटरन इज समबडी जिसको बहुत सालों से एक्सपीरियंस है. और ब्रूसली इज अ वेटरन ऑफ मार्शल आर्ट्स. तो मार्शल आर्ट्स के वेटरन कौन है, वो है ब्रूसली. तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं. तो इनवेटरेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेटरेट. इनवेटरेट इज अ हैबिचुअल समवन हु डज समथिंग वेरी ऑफन एंड कैन नॉट स्टॉप डूइंग इट. इनवेटरेट यानी कि वेटरन, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जो पुराने हो गए हैं. तो इनवेटरेट यानी कि वो अपनी पोजिशन छोड़ ही नहीं रहे, वो जो काम कर रहे थे वो करे ही जा रहे हैं. दैट इज इनवेटरेशन. फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन इज इनवेटरेट. ही हैज बीन डूइंग समथिंग फॉर अराउंड 50 ईयर्स एंड ही स्टिल डूइंग इट. है ना. इनग्रेन्ड, डीप सीटेड, कंसेंशियल. नाउ अगर मुझे इसे सेंटेंस में लिखना होता तो एन इनवेटरेट गैम्बलर, यानी जो सालों से गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं. ही इज एन इनवेटरेट लायर. ये तो बहुत अच्छे से हो गया इनवेटरेट लायर, कि अगर कोई झूठ बोल रहा है और सालों से बोले ही जा रहा है तो वो झूठा ही हुआ, इनवेटरेट लायर. व्हाट डू यू सी हियर. What do I see here? That there is a lot of rage. बहुत ज्यादा anger और rage है. है ना. इतना जो rage होता है, इतना जो anger होता है, ये कहाँ से आया. Rage is to completely destroy a city or town. इतना अगर किसी के अंदर rage होगा तो उसका outcome क्या होगा, कि वो अपने किसी शहर, town या किसी भी चीज को destroy कर देंगे. So that is rage. और the synonymous words are of course to demolish, to destroy, to bulldoze, to desolate, devastate and to knock down. All of these words are synonymous words. Villages were razed to the ground in the bombing raid, not a building was left standing. Villages jo hain wo, they were razed to the ground, yani ki unko khatam kar diya gaya tha, ground mein pahuncha diya gaya tha. इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है अम्ब्रेज. अब इसको अंग्रेज मत कर देना, इट इज अम्ब्रेज. अब देखो यहाँ पे भी इसके भी स्पेलिंग में रेज है या नहीं, तो ऑफ कोर्स है रेज. तो अम्ब्रेज का मतलब क्या होता है, द लास्ट फोर लेटर्स ऑफ रेज एंड देन अम्ब्रेला, दैट इज शेड. तो शेड एंड रेज, एंगर एंड रिजेंटमेंट. To feel upset and annoyed usually because you feel that someone has been rude or shown no respect to you. अम्ब्रेज का मतलब होता है कि जब आप गुस्सा है और आप गुस्सा सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने आपको enough इज्जत नहीं दी जितनी आप डिजर्व करते हैं. That is called as अम्ब्रेज. Will she take अम्ब्रेज if she is not invited to the wedding? अगर वो invited नहीं रही wedding पे तो क्या वो इस चीज के लिए अम्ब्रेज लेंगी, यानी कि क्या वो इसके लिए अनॉयड हो जाएंगी. ही टुक एन अम्ब्रेज एट देयर रूडनेस. उसने उस चीज के लिए ऑफेंस ले लिया कि भाई तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की. वो पंचायत देखा है तुम लोगों ने, पंचायत में वो कहता है ना कि कोई इज्जत ही नहीं है हमारी. दैट इज वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट. हाँ जी आगे देखते हैं. वाई यहाँ पे पूछ रहे हैं, why, what happened. So what is the answer here? Why का मतलब होता है to compete with other people to achieve or get something. जब आप किसी के साथ compete कर रहे हैं to achieve या फिर to get something, that is basically why. The two groups of scientists are vying to get their funding for their research projects.
जो दो ग्रुप हैं साइंटिस्ट के वो लड़ रहे हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाए। तो वाई का जो प्रोनंसिएशन है ना, जब आप किसी को कहते हो वाई, तो जो जो आपके हाथ है वाई, व्हाट हैपेंड, तो बेसिकली यू आर ऑलवेज चैलेंजिंग द अदर पर्सन। आप जिस तरीके से कहते हैं वाई, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हो। और अगर ये आप कर रहे हो तो इसी के लिए यूज किया जाता है वाई। द टू ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आर वाइंग टू गेट अ फंडिंग, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं ताकि किसी एक को फंडिंग जो है मिल जाए, है ना? ओके, द सिनोनिमस वर्ड वुड बी टू कम्पीट, टू कंटेंड, कॉन्टेस्ट, स्ट्रगल, फाइट और बैटल। ठीक है, ओके। आज के वर्ड्स में मैं समझ रही हूँ आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा, बट यहाँ बच्चे इतने कम कैसे हैं यार मेरी क्लास में, मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाती है। यू गाइज आर नॉट लाइकिंग द सेशन, नाइदर यू आर शेयरिंग इट दिस विथ योर फ्रेंड्स, दैट इज द रीजन आई हैव सो लेस पीपल इन माई क्लास, है ना? ये गलत बात है। यू ऑल कम डेली एंड यू आर नॉट इवन शेयरिंग इट विथ समबडी। चलो ईडीएम टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। That movie on World War II saw really brought home to me the scale of the impact of fascism on the world. तो brought home to me का मीनिंग यहाँ पे क्या है? Brought home to me का मतलब होता है made me understand clearly. किसी भी चीज को जब मुझे अच्छे से समझ में आए, that is called as bringing home to me. मेरे लिए तभी मुझे समझ में आया when it brought home to me. द अमेरिकन बॉक्सर, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। द अमेरिकन बॉक्सर वॉज डाउन ऑन द फ्लोर एंड ब्लीडिंग व्हेन हिज कोच डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल। थ्रोइंग इन द टॉवल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सो ऑप्शन नंबर टू, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडमिट डिफीट। द करेक्ट आंसर इज टू, एडमिट डिफीट, थ्रोइंग इन द टॉवल। वो जो अमेरिकन बॉक्सर है वो गिर गया बेचारा, वो ब्लीड करने लगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके जो कोच थे, ही थ्रू इन द टॉवल, दैट मीन्स ही टोल्ड हिम दैट ठीक है, वी एक्सेप्ट द डिफीट। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये क्या हुआ? द मैनेजर सेड लेट्स बीफ आवर टीम अप विद टू मोर कंटेंट डेवलपर्स। तो बीफिंग अप द टीम का बेसिकली मीनिंग होता है स्ट्रेंथ द टीम। बीफ वॉज कंसिडर टू बी अ फूड जिससे काफी स्ट्रेंथ आए, और इतनी स्ट्रेंथ आए कि आप लड़ सकें। सो बीफिंग अप इज स्ट्रेंथनिंग द टीम, इट इज टू स्ट्रेंथन द टीम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। कैश काउ, टीसीएस हैज टर्न्ड आउट टू बी अ कैश काउ फॉर द टाटा बिजनेसेस। टाटा का जो बिजनेस है इसके लिए टीसीएस कैश काउ बन चुकी है उनकी। तो व्हाट इज द कैश काउ? कैश काउ का मीनिंग क्या होता है? इट इज ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। जो क्या हो? इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो, उसे हम कहते हैं कैश काउ। अ बिजनेस, एन इन्वेस्टमेंट और अ प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी इनकम और अ प्रॉफिट, जो बार बार आपको प्रॉफिट दे, बार बार आपको इनकम दे, दैट इज कॉल्ड एज अ कैश काउ। फिफ्थ, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
Nitin Gadkari's recently made a Freudian slip when he said that his party's electoral campaigning was built on false promises. Nitin Gadkari ne apni party ke bare mein ye kaha ki humne to jhoothe vaadon pe ye party ka campaigning kiya hai. To jhoothe vaade, theek hai? To isse Freudian slip kehte hain. What is a Freudian slip? A speaker's unintentional mistake which reveals his true thoughts about something or someone. गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाए, जहां पे आप गलती से कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाए, पर आप उसमें एक्चुअली कोई सही बात और सच्ची बात अपने बारे में बता दो, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रूडियंस स्लिप. कि फ्रॉड जो है वो आपका बाहर दिख गया, प्रूडियंस स्लिप. जल्दी से सिक्स्थ सॉल्व करेंगे, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. रेड हेरिंग ये कह रहे हैं कि ये जितना मनी शंकर अय्यर के कमेंट के बारे में जितनी ये न्यूज आ रही है, इट इज नथिंग बट रेड हेरिंग. व्हाट इज अ रेड हेरिंग? तो रेड हेरिंग का हमें मीनिंग यहाँ पे बताना है. द करेक्ट मीनिंग वुड बी ऑप्शन नंबर बी, समथिंग इररिलेवेंट दैट डाइवर्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन प्रॉब्लम और इशू. कोई ऐसी चीज जिससे मेन जो प्रॉब्लम है या जो मेन इशू है वहां से ध्यान भटक जाए, that is called as red herring. जैसे वो होता है ना, आपने देखा है बुल फाइट होता है, तो बुल फाइट में अगर बुल ज्यादा तेज हो जाता है ना, फिर वो जहां पे रेड देखता है वहां भागने लगता है. तो दैट इज रेड हेरिंग, कि आप उसने डिस्ट्रैक्ट आपने कर दिया. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. विद द इकोनॉमी इन द टैटर्स, यानी कि जो इकोनॉमी अभी डाउनफॉल में चल रही है. अनदर लेंदी ब्लॉग फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर टू डिफेंड हिज फेलियर. उन्होंने एक और ब्लॉग निकाला है जहां पे वो फिर से अपने फेलियर्स को डिफेंड कर रहे हैं कि अरे ऐसा हुआ इसलिए मैं फेल हो गया. एंड ब्लेम द प्रीवियस गवर्नमेंट इज इन द ऑफिंग, और वो क्या करेंगे, पुरानी गवर्नमेंट को जरूर से ब्लेम करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, about to happen at some time in the future. Kuch time in the future mein this is going to happen. Theek hai. Question number 8, we will see. This is question number 8. The timer starts now. After the heated exchange of words, the manager adjourned the town hall meeting signed die. जैसे ही heated exchange हुए शब्दों के, उसके बाद जो manager है उन्होंने town hall की meeting को adjourn, यानी कि खत्म कर दिया, बोला खत्म, आज के लिए इतना ही काफी है. So what is signed die? Signed die, the meaning here says without any future date or resumption. कोई future date नहीं दी और खत्म किया. साइंड आई का मीनिंग होता है कि आपको कोई भी फ्यूचर डेट नहीं मिली है और किसी चीज को ऐसी खत्म कर दिया जाए. वो दोस्त नहीं होते हैं जो आपसे कहते हैं कि हाँ मिलेंगे कभी, तो वो फिर साइंड आई कर रहे हैं आपके साथ कि अब जब मरेंगे तभी मिलेंगे ऊपर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9th, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. After arguing with and embarrassing the CEO in front of all staff, I think he burned his boat.
इन्होंने जो इतना आर्ग्यू किया सीईओ के साथ और सब सारे स्टाफ के साथ, उसके बाद उनकी जो बोट है वो क्या हो गई, उस पे आग लग गई. सो द आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी इजिली अनडन और रिवर्स्ड इन द फ्यूचर. कोई ऐसी चीज करना जिसको हम फ्यूचर में रिवर्स नहीं कर सकते, दैट इज इट. क्वेश्चन नंबर, सो टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. क्वेश्चन नंबर 10th करना है. द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. आफ्टर द फाइनल बेल रैंग, एक बार फाइनल बेल बज गई, उसके बाद द चिल्ड्रन रैन अमक इन द कॉरिडोर्स. कॉरिडोर्स में चिल्ड्रन क्या हो गए, इधर उधर भागने लग गए. सो क्वेश्चन नंबर 10th, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टू बिहेव इन अ वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वे. बहुत ही वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड तरीके से बिहेव करना इज गोइंग इन एन अमक, रैन अमक. 11th, जल्दी से सॉल्व करो, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. Stop being a wet blanket and come to us, come with us to the party. Wet blanket बनना बंद करो और हमारे साथ पार्टी में चलो. What is the meaning here? Question number 11th. The correct meaning is option number B. Someone who spoils other people's fun by failing to join in with or disapproving of their activity. जब किसी और के activity को आप disapprove करते हो and you spoil other people's fun plan. So that is a wet blanket. सब चीजों पे पानी फेर देने वाला इंसान, हर जगह पे पानी फेर दे, हर किसी का मूड खराब कर दे, that is a wet blanket. जल्दी से ये करो, the timer starts now. नो योर इंग्लिश में हुआ है ये, वेरी गुड, याद है. Cleaning of river Ganga is the willow the wisp that our politicians have been chasing for decades. जो गंगा नदी को साफ करने का एक अभियान है, वो एक विलो द विस्प है जो हमारे पॉलिटिशियंस बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12th, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन अनअटेनेबल गोल. एक ऐसा गोल जो हम अटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज एन अनअटेनेबल गोल. Is below the wisp, गोल गोल घूम रहे हैं, below the wisp. Thirteenth, the timer starts now. आज मैंने थोड़ा सा लंबा सेशन प्लान किया था, तो आप हर उसके 15-15 क्वेश्चंस देखेंगे. जनरली हम 10 में खत्म कर देते हैं. With a strong and aggressive captain in Sourav Ganguly, that Indian team gave the Steve Waugh-led Australian team the taste of their own medicine. क्या हुआ कि हमारा कैप्टनसी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव थी कि इंडियन टीम ने क्या दिया, एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को, जो अल्टीमेटली उनके लिए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन था. सो वॉट वॉज इट, क्वेश्चन नंबर 13, द आंसर विल बी बी, ट्रीटिंग देम एज दे ट्रीट अदर्स. उनको बिल्कुल वैसा ही फील करवाया गया जैसा वो दूसरों के साथ करते हैं. पेन किलर्स. 14th, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. When asked about his relations with the gangster
इन क्वेश्चन द मिनिस्टर केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश. जब भी मिनिस्टर से पूछा गया कि आपका भाई क्या रिलेशनशिप है गैंगस्टर के साथ, तो ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बातें करने लगा, बट सही आंसर नहीं दिए. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट पे नहीं आके डिस्कस करना. क्वेश्चन नंबर 15th, द लास्ट ईडियम, जल्दी से करेंगे, फिर वन वर्ड करना है, फिर एडिटोरियल करना है, नो योर इंग्लिश भी करना है. ओके, यू गाइज हैव डन अ ग्रेट, डन ग्रेट प्रिपरेशन फॉर दिस इवेंट एंड नाउ इज द टाइम टू ब्रेक अ लेग. आपने इस इवेंट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है और अब टाइम है टू ब्रेक अ लेग. वॉट इज ब्रेकिंग अ लेग लाइक? ब्रेकिंग अ लेग इज वेरी सिंपल. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट इज कॉल्ड ब्रेक अ लेग. LIC ADO तो यार इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट मी. आप जब एग्जाम दे के आओगे ना तो आप मुझे मैसेज करोगे कि मैम इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली. हाँ जी, ठीक है. अच्छा देखो, जैसे ही मैं बताती हूँ कि ओनली किंजल एंड ओनली आई विल टेल यू द बेस्ट ऑफर्स गोइंग ऑन, है ना, बिकॉज आई एम ऑलवेज अप फॉर स्टूडेंट्स. कि अरे चल कह रहा है, तो अभी एक बुक सेल चल रही है जो अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है. देर इज अ बुक सेल जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है. तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनके पास सच में बुक्स नहीं हैं टू रीड, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किससे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या बुक्स लगेंगी, तो इसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू पार्टिसिपेट इन दिस बुक सेल. आप इस बुक सेल में पार्टिसिपेट करें और यू बाय एनी बुक ऑफ योर चॉइस. ऑल अड्डा 24/7 बुक्स आर अवेलेबल. उसके लिए कोड यूज करना होगा Y659S और पहली 1000 डिलीवरी फ्री है. तो क्योंकि सेल अभी चालू हुआ है तो पहली 1000 डिलीवरी में आप आ सकते हैं, ठीक है. तो मेक श्योर दैट इफ यू आर आइंग ऑन सम बुक, आपको लग रहा था मुझे एस इंग्लिश लेनी है, मुझे एस क्वांट चाहिए, एस रीजनिंग चाहिए, या फिर लेट्स से आपको रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अलग से जो इतनी बड़ी किताब है, बेहतरीन किताब है यार वो, मैंने उसको सॉल्व किया आधी, इट्स ग्रेट. तो अगर आप वो सारे बुक्स को आई कर रहे थे, सो नाउ इज द टाइम टू ऑर्डर. अगर आपको ये फिजिकल कॉपी चाहिए थी तो भी अभी ले लेना. चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. LIC ADO प्रीति बहुत अच्छे से देना और सिलेक्शन लेके आना. SBI CBO में भी मेरा एक स्टूडेंट है फ्रॉम द बैच, वो ऐसे रोज आता था यहाँ पे और ऐसे रोज करता था, एंड अ लॉट ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड, बट व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी ही सिलेक्टेड, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज इट फेल्ट लाइक द फुल सर्कल हैज बीन कंप्लीटेड. सो मेक श्योर दैट यू डू रियल गुड वर्क इन LIC ADO, ठीक है. सो टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल अग्रीमेंट, किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट को जब हम इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं, इट इज टू एनल. ये कल ही हमने किया था, याद है, नल, नल एंड वॉइड, एनल, याद आया? ये कल अगर आप आए होंगे ना तो कल हमने वर्ड्स में किया था, नल एंड वॉइड से मैंने सिखाया था एनल. सेकेंड करो सॉल्व जल्दी से. फीलिंग और शोइंग डीप सॉलम रेस्पेक्ट, बहुत ही अंदर से रेस्पेक्ट दिखाना. यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन ए एंड बी, पायस एंड रेवरेंट. द आंसर हियर इज डेफिनेटली रेवरेंट. रेवरेंट क्योंकि रेवरेंस से रिलेटेड है, मतलब अल्टीमेटली रेस्पेक्ट. बट पायस का मीनिंग क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है. पायस का मतलब होता है समबडी हु विल रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को जो इक्वली रेस्पेक्ट करे, दैट इज पाइज्ड. थर्ड सॉल्व करिए, द टाइम स्टार्ट्स नाउ.
A substance that has no therapeutic effect, used as control in testing new drugs. इसमें कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता, इसको सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि ड्रग का इफेक्ट जो है वो कंट्रोल रहे, कोई नए ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है. सो दैट इज प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है पता है? प्लेसिबो इफेक्ट, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आप इतने बीमार हो गए कि आपको 10 दिन से आप बीमार ही थे, फिर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई लिख के दी, आपने वो दवाई का कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया, बट क्योंकि आप डॉक्टर के पास गए, आपने 2-3 दिन दवाई खाई, तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. ऑल्दो आप अभी भी बीमार ही हो, आपने रिकवर नहीं किया है, बट समहाउ इट फील्स लाइक यू आर ओके. सो दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट, कि सिर्फ डॉक्टर के पास जाके हम ठीक हो गए. मेंटल. फोर्थ क्वेश्चन, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. To lift or haul something heavy with great effort, बहुत ज्यादा effort से किसी चीज को उठाना, heaving shrimp, wimp or runt, ये सारे close लग रहे होंगे. Although the correct answer here is A, it means to heave. Heave word यानी कि heavy को उठाना, heaving. It's very easy to learn because of the spelling, कि heavy चीज को उठाते हैं तो क्या word use करते हैं, heave word use किया जाता है. ओके, फिफ्थ सॉल्व करते हैं. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. अ कंक्लूजन और अग्रीमेंट डन और रीच्ड डिसाइसिवली एंड विथ अथॉरिटी. एक कंक्लूजन या फिर एक अग्रीमेंट में आप तब पहुंचते हैं जब आप किसी अथॉरिटी के साथ हैं. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? प्रिसाइज, डेफिनेटिव, रिलायबल या फिर स्पेसिफिक. द करेक्ट आंसर हियर इज अ कंक्लूजन और अग्रीमेंट इज ऑप्शन नंबर बी. सो डेफिनेटिव, एक कंक्लूजन यानी कि डेफिनाइट आंसर है ना. To cut the wool off a sleep of a sheep or other animal, the timer starts now. Option number D, you are saying to shear. All the answer is option number D, to shear. This is the correct answer. Very good, yaar. Sabko aata hai. Kya baat hai? I'm actually a little bit impressed. To exclude from a society or a group. किसी society या किसी group से किसी को exclude कर देना, बाहर निकाल देना, क्या कहेंगे इसे? ये तो बदतमीजी कहलाएगी साहब, ऐसे बोल दो, मजा आ जाएगा. ठीक है. सो टू एक्सक्लूड समबडी फ्रॉम अ सोसाइटी इज कॉल्ड एज टू ऑस्ट्रासाइज. टू ऑस्ट्रासाइज इज द आंसर. सेवेंथ ए, ऑस्ट्रासाइज इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम स्टार्ट्स नाउ. A person who is lazy and has very low standards of cleanliness. मतलब जो बहुत lazy भी है और बहुत ज्यादा साफ सफाई से नहीं रहते, ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? That person is called as option number B, a slob. That person is called as slob. हाँ जी, इसको आप स्लॉथ से लर्न कर सकते हैं. स्लॉथ का भी मतलब वही होता है, somebody who is very lazy, जो बिल्कुल पड़ा हुआ हो. स्लॉथ एक एनिमल होता है जो साल भर सोता है, ऐसा कुछ कुछ है, जो साल भर सोता है और विल नॉट इवन मूव, समथिंग लाइक दैट.
क्वेश्चन नंबर 9th, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. देखो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूं. एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री. कोई ऐसी चीज जो इंटेंसिटी, अमाउंट, क्वालिटी या फिर डिग्री में बहुत ही ज्यादा एवरेज है तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज मॉडरेट. उसे हम क्या कहते हैं? मॉडरेट. दैट इज समथिंग विच इज मॉडरेट. 10th, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. टू सेल सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड देन एक्वायरिंग देम विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट व्हेन द प्राइस फॉल्स. तो अच्छा, शॉर्ट सेलिंग. द आंसर हियर, इट मीन्स बेसिकली शॉर्टिंग. तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टिंग. इसी को बेसिकली कहते हैं शॉर्ट सेलिंग या फिर शॉर्टिंग. हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड. क्वेश्चन, अच्छा ये 10 हो गए. ये देयर इज अ बुकमार्क योर सक्सेस. आप अपनी सक्सेस को बुकमार्क कर लीजिए विद अदर 24/7. जल्दी से हम नो योर इंग्लिश पढ़ते हैं. आप में से कितने लोगों को ऐसे उतना ही एक्साइटमेंट होता है जितना मुझे होता है नो योर इंग्लिश पढ़ने का? So Miss Sushila Rastogi from Allahabad wants to know the meaning of the sentence, he has got the blues. Blues ka meaning kya hoga? Jaldi se dekhe iska meaning kya hai. देखो, वेरी इजी. टू बी इन द ब्लूज इट मींस टू हैव ब्लूज का मतलब होता है टू बी डिप्रेस्ड. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश लिटरेचर में समहाउ ब्लू इज कलर ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस, है ना? तो ही हैज गॉट द ब्लूज, आई डोंट नो द रीजन ही इज इन द ब्लू एज ही हैज बीन सस्पेंडेड इन हॉस्पिटल. पेशेंट्स हु आर डेलीरियस, यानी कि जो बहुत ही कम बुरी हालत में हुआ करते थे, complained of seeing blue devils. They were terrified first and depressed later. It is used in the sense of depressed now. When you are in blues, you are down in the dumps. तो देखो, ये मेरा confusion भी lifetime का भी clear हो रहा है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को से कहती हूँ कि blue का मतलब होता है English literature में very depressed. तो ये अब हमें clear हो रहा है क्यों? क्योंकि अर्लियर डेज में जब हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुआ करते थे और उनकी हालत बहुत खराब हुआ करती थी, तो दे यूज टू सी डेविल्स. उन्हें डेविल्स दिखते थे जो ब्लू कलर के हुआ करते थे, और वो ब्लू कलर के डेविल को देख देख के वो डिप्रेस फील करते थे, और इसीलिए तब से आया है द वर्ड ब्लू. ठीक है, जैसे एवरी एग्जामिनेशन गिव्स मी द ब्लू, आई यूजुअली गो टू हिम व्हेन आई हैव द ब्लूज. मुझे हर एग्जामिनेशन से क्या मिलता है? डिप्रेशन मिलता है, और मैं तब तब उससे जाके बात करती हूँ जब जब मुझे बुरा फील हुआ होता है. सेवरल रीडर वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग, द डिफरेंस बिटवीन रेफरी एंड एम्पायर. अब मैं समझती हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर ऑल्सो मेल,
तो क्या आपको पता है रेफरी और एम्पायर के बीच का डिफरेंस? अगर नहीं पता है तो वी विल नो इट नाउ, जल्दी से करो, रीड दिस पार्ट. ठीक है, तो रेफरी और एम्पायर में क्या डिफरेंस है? रेफरी कहाँ पे होते हैं? जो बॉल वाले गेम होते हैं वहां वहां पे हम रेफरी यूज करते हैं, जैसे फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. एम्पायर कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे एक कोई बैट भी हो बॉल के साथ, जैसे कि टेनिस या फिर क्रिकेट. देन देयर इज मिस्टर ए धन धनेश करण ऑफ हिंदुस्तान टेलीप्रिंट्स, हु वॉन्ट्स टू नो द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ही टुक इल. ही टुक इल का मीनिंग क्या होगा? तो जल्दी से पढ़ेंगे. इट इज जनरली से लेके ये एक्टिव फॉर्म. इट इज जनरली यूज इन द पैसिव दैट ही वॉज टेकन इल. ही टुक इल वॉज कंसिडर्ड कोलोकियल. कोलोकियल का मतलब होता है कि डे टू डे लाइफ में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो स्लैंग यूज करते हैं, वो सारे होते हैं कोलोकियल. तो एंड डायलेक्टल, जो स्ट्रॉन्ग डायलेक्ट को दिखाए. इन द पास्ट बट नॉट सो नाउ. ही टुक इल इज यूज फ्रीक्वेंटली दीज डेज. इनफैक्ट डिक्शनरी ने भी रजिस्टर कर दिया है. टू बी टेकन इल का मतलब होता है टू बी सीज्ड और स्ट्रक विद इलनेस. इट इज ऑल्सो यूज इन अ ह्यूमरस वे. डिकिन्स हैज द फॉलोइंग सेंटेंस इन निकोलस निकलबाई, ही वॉज टेकन समटाइम्स लिटररी. ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ही टुक इल का मतलब होता है कि अगर कोई बीमार है और फिर छुट्टी पे चले जाए, या वो थोड़े टाइम से बीमार है, तो उसे हम कहते हैं ही टुक इल. और इसको कभी कभी ऐसे सार्कैज़म के तरीके से भी यूज किया जाता है. तो एट द नेट्स, कपिल देव वॉज नॉट एट द नेट्स. तो नेट्स का मीनिंग क्या है? नेट्स का क्या मीनिंग है, जल्दी से पढ़िए मैच तक के. नेट्स का मीनिंग क्या है? अ प्रैक्टिस क्रिकेट पिच सराउंडेड बाय नेट्स. सो द सेंटेंस मींस दैट कपिल देव वाज नॉट प्रैक्टिसिंग. सम हु डू वेरी वेल एट द नेट्स डू नॉट डू वेरी वेल इन द एक्चुअल मैच. ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जैसे कपिल देव जब क्रिकेट खेल रहे थे तो आजू बाजू नेट लगा हुआ था, तो ये जो प्रैक्टिस वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं नेट्स. लास्ट है कनेशिया. कनेशिया के प्रोनंसिएशन में द फर्स्ट ओ इज प्रोनाउंस लाइक द ओ इन पॉट. सो कॉ पॉट कॉट, तो कॉनो शियर. ऑन द सेकेंड ओ इज प्रोनाउंस लाइक द फाइनल साउंड इन चाइना. सो द सी इज प्रोनाउंस लाइक क एंड सर. तो ये होगा कनोशियर. कनोशियर, कनोशियर का मतलब क्या होता है? कनोशियर इज समबडी हु इज एन एक्सपर्ट. कनोशियर का मतलब होता है समबडी हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग. द वर्ड मीन्स एन एक्सपर्ट जज इन द मैटर्स ऑफ टेस्ट स्पेशली इन द फाइन आर्ट्स. कनेशियर का मतलब होता है समबडी जो एक फाइन आर्ट्स या फिर टेस्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो, जिसको समझ में आ जाए, वो होते हैं कनेशियर. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल आर्टिकल की तरफ. हमारा जो आज का एडिटोरियल आर्टिकल है ये थोड़ा सा बड़ा है. और अच्छा, सबसे पहले तो ये आर्टिकल अगर आप सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो ये जरूर पढ़ना. इंडिया एट द एकेडमी अवार्ड्स फ्रॉम मदर इंडिया टू आरआरआर. मदर इंडिया से लेके आरआरआर तक की जो हमारी पूरी जर्नी है ना, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं थी, जैसे
सलाम बॉम्बे नाम की एक चीज हुआ करती थी, तो ये सब पूरी जर्नी इसमें दी हुई है बहुत अच्छे तरीके से। ये हम करेंगे द अनसर्टेनिटी ऑफ जंबो असाइनमेंट्स। जंबो यानी बड़ा, बट जनरली जंबो यूज किया जाता है फॉर एलिफेंट्स ऑल्सो। Sometimes, even after spending an entire day on the field, journalists may have to return to the newsroom without a report. Reporting on the capture of wild elephant is one such unpredictable assignment, as the operations can go even for a week. कभी कभी क्या होता है कि जर्नलिस्ट बाहर जाते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए, और वो इतनी मेहनत करते हैं फील्ड में, बाहर जाते हैं न्यूज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो वापस ऑफिस आते हैं और उनके पास न्यूज नहीं होती है। ऐसा जनरली तब होता है जब वो किसी वाइल्ड एनिमल की खोज के लिए बाहर गए हैं। मतलब मान लो उनको न्यूज मिली कहीं से कि इस जगह पे वाइल्ड एलिफेंट को कैप्चर किया जा रहा है, तो वो चले गए वहां पे अपना बस्ता उठा के, कैमरा लेके, सब कुछ लेके। बट वहां गए तो पता चला कि अभी तो एक हफ्ता लगेगा एक वाइल्ड एनिमल को कैप्चर करने में, तो उनका हफ्ता हफ्ता निकल जाता है विदाउट एनी न्यूज इन स्पेसिफिक। इट इज नाउ कॉमन टू कैप्चर वाइल्ड एलिफेंट्स व्हिच फ्रीक्वेंटली डैमेज क्रॉप्स एंड कॉज ह्यूमन कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज यानी डेथ इन द विलेज। बॉर्डरिंग फॉरेस्ट इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होम एट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक एलिफेंट। Villages close to the western ghats in Coimbatore district of Tamil Nadu witness the frequent movement of pachyderms. Pachyderms यानी कि thick skin animal. Thick skin animal elephant है या नहीं है? बिल्कुल है। An order for the capture of a wild elephant is usually made after repeated incidents of crop damages and human casualties. In a few cases, wild elephants are tranquilized and captured for treatment. Tranquilized यानी कि बेहोश कर दिए जाते हैं। क्या होता है कि हम किसी विलेज जो वेस्टर्न घाट के पास है, एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, बहुत ही लार्ज इन साइज और डैमेजिंग हो सकते हैं, तो कोयम्बटूर के पास जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे हाथी प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो एलिफेंट प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और इसलिए वो लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि उनके क्रॉप्स खराब हो रहे हैं वहाँ पे, लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। जब ये ज़्यादा ज़्यादा कंप्लेन आने लगती है तब फिर वो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई लोग जाते हैं और एलिफेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जनरली इन्हें ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है और फिर कैप्चर किया जाता है। इन जून 2021 आई वेंट आउट ऑन माय लॉन्गेस्ट असाइनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। एन ऑपरेशन हैड बीन लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कैप्चर एंड रेडियो कॉलर अ वाइल्ड एलिफेंट निकनेम्ड बाहुबली फॉर इट्स फिजिक एंड इट्स स्वॉश बकलिंग एंट्री और मास एंट्री एज इट इज कॉल्ड इन तमिल फिल्म्स इनटू विलेजेस विद फेलो जर्नलिस्ट। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम कोयम्बटूर टू मेट्टुपालयम एट द नीलगिरी फुटहिल्स फॉर नियरली अ वीक बट रिटर्न ओनली विथ ब्रीफ रिपोर्ट्स ऑन द एल्यूसिव एनिमल। व्हेन द ऑपरेशन स्टार्टेड द डिपार्टमेंट ब्रॉट इट्स मोस्ट ट्रस्टेड कुमकी कलीम एंड टू अदर्स। एज डेज पास्ड एंड देयर वाज नो साइट ऑफ बाहुबली एन ऑफिशियल टोल्ड अस that Jumbo had possibly stayed away after sensing the smell of kumkis who were staying at the timber depot. क्या बोल रहे हैं कि ये जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है वो ऐसे एक अपने उसमें गए थे, नीलगिरी हिल्स के फुट एरिया में वो गए, एक एलिफेंट को पकड़ा जाने वाला था जिस एलिफेंट का नाम था बाहुबली। बाहुबली उसका नाम इसलिए था क्योंकि उसका फिजिक वैसा था और वो एंट्री भी वैसी जंबो लेता था। द आइडिया इज कि वो अपने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स थे वो अपना बेस्ट आदमी और बेस्ट लोग लेके गए ऐसे एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए, बट एक हफ्ते से ऊपर टाइम निकल गया और एलिफेंट कहीं दिखा ही नहीं, तो फिर उन्होंने समझा कि हो सकता है कि बाहुबली एलिफेंट को समझ आ गया दैट ही इज इन डेंजर और वो वहां से निकल गया है। The operation was finally withdrawn as Bahubali mostly remained unseen. To the wonder of official and journalists, the tusker once again began making its mass entry into the villages after the operation was called off. Earlier in February 2019,
I went to report the operation launch to capture a crop raider named सिनाथम्बी. ये बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि जैसे ही ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया कि चलो अब बाहुबली को नहीं पकड़ेंगे, उसके बाद बाहुबली वापस दिखने लगा. मतलब बाहुबली को एज एन एलिफेंट आइडिया था दैट उसकी लाइफ डेंजर में है. नेक्स्ट टाइम फिर से रिपोर्टर गए थे एक दूसरे एलिफेंट को देखने के लिए बाय द नेम ऑफ सिनाथम्बी. From a village near Tripur district, the tusker had been captured from Thada Gam Valley in Coimbatore in January and translocated to Annamalai Tiger Reserve around 100 km. But it began to stray into villages of neighboring Tripur again. The elephant embarked on a journey that lasted about 2 weeks through villages, intermittently campaigning at places to devour its favorite snack like sugarcane and banana. I covered the last 3 days of operation from the field. I camped at a coconut grove along with fellow journalists where we often got tender coconuts from the kind of farm owner. इस बार ये जो elephant था ये थोड़ा अलग सा elephant था. जब वहाँ पे इसको पकड़ने के लिए लोग गए हुए थे तो elephant भी इधर उधर भाग रहा था, इधर उधर घूम रहा था, हर जगह जाके बनाना खा रहा था, शुगर केन खा रहा था, उसे जो जो पसंद है सब कुछ स्नैक्स खा रहा था. तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वाले सारे उनको उसको ढूंढ रहे हैं और वो भी घूम ही रहा है. मतलब वो वैसा नहीं था जैसे बाहुबली चुपके से निकल गया, वैसा नहीं था. एज मूवमेंट ऑफ द एलिफेंट वॉज अनप्रिडिक्टेबल वी वर एडवाइज टू स्टे एट अ डिस्टेंस इन द ग्रुप विच वॉज सेपरेटेड बाय अ कैनल from the sugarcane field where the elephant hid. Chintambi was finally captured in a 7-hour long operation and sent to a kraal, wooden enclosure in Annamalai Tiger Reserve. Now as Kumki has completed 2 successful elephant capturing operation. ये क्या बोल रहे हैं, finally इन्हें suggestion दिया गया कि आप जो हैं sugarcane field के उस साइड रहिए, क्योंकि ये हो ना हो शुगर केन फील्ड में ही होगा. जिस दिन वो एलिफेंट पकड़ाया उस दिन उस एलिफेंट को पकड़ने के लिए 7 घंटे का टाइम लगा. 7 आवर्स बाद दे वर एबल टू एक्चुअली कैप्चर द एलिफेंट वन. फिर उसके बाद उसको एक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भेज दिया गया. अभी तक उस एरिया में 2 ऐसे एलिफेंट्स को उन्होंने पकड़ा है. Reaching areas where elephant capturing operation take place is often a tough task due to lack of proper roads. In December 2018, after a few days of tracking, the forest department located their target. A tusker fondly called Vinayagan on the forest fringes of Thadagam Valley was considered to be Chinnathambi's groomer. Logistical support including earth movers and kumkis were on standby for the operation. A forest veterinarian shot a dart with first dose of tranquilizer around at 6 a.m. at the elephant. Before I could reach spot on my motorcycle, in my hurry I left my expensive helmet on my bike and trekked to the spot. The operation lasted for about 9 hours. The elephant was finally loaded onto a truck and taken to Mudumalai Tiger Reserve. Planning a few reports in my mind, I quickly walked to my 2-wheeler. But as I had expected, someone had stolen my helmet. ये क्या बोल रहे हैं कि next time, हाँ, और फिर उसके next time जिस elephant को ये पकड़ने जा रहे थे तो जो hide and seek कर रहा था elephant, ये उसी का एक साथी था. ये जो साथी था इसको पकड़ने में और ज्यादा time लगा, 9 घंटे का time लगा. इस बार जब ये ऑथर जा रहे थे एज अ रिपोर्टर इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए तो वो इतने जल्दी में थे क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर उसको लग चुका था. एक डार्ट शॉट से एलिफेंट को ट्रैंक्विलाइजर लग चुका था. अब वो ट्रैंक्विलाइजर एलिफेंट को लग गया तो वो जल्दी जल्दी में अपना हेलमेट जो है अपनी बाइक में छोड़ के चले गए और फिर वो फॉरेस्ट के अंदर गए, घूमे वूमे सब कुछ किया. 9 घंटे बाद एलिफेंट का जब ये प्रोसेस खत्म हुआ, जब वो वापस आए तो उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया था कि
कि उनका हेलमेट जो है वो चोरी हो जाएगा, और वो चोरी हो चुका था। यस हेलमेट गया। हाँ, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग, अच्छा सा, प्यारा सा एक आर्टिकल लगा, है ना। दिस इज द पिक्चर, नहीं ये वो नहीं है, बट दिस इज अंदर द पिक्चर, ठीक है। तो आई इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देर इज अ ह्यूज डिस्काउंट गोइंग ऑन, अ सेल डिस्काउंट इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन बुक्स। बुक्स पे अभी एक डिस्काउंट चल रहा है। मेक श्योर कि अगर आप कोई बुक प्लान कर रहे थे लेने का, सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। एंड इफ यू डू, मेक श्योर दैट यू यूज अ कूपन कोड, एंड द कूपन कोड इज Y659S। दिस इज योर कूपन कोड। ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। बाय, और कल सुबह मिलते हैं 11 बजे। टेक केयर।